गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था कि जब हम लोग सोते हैं तो वो जो सपना आता है वो सच होता है कि झूठ होता है? सपना कुछ सच होते हैं और कुछ सच होते हैं। सपने सच ही होते हैं। या तो सपना वो होता है जो भविष्य में घटना होने वाली है, या तो सपना वो होता है जो आपके साथ किसी आपके करोड़ों बार जन्म हो चुके हैं तो किसी जन्म में आपके साथ वो घटना घट चुकी है, या तो वो हादसा वो वाक्य हो चुका है या होने वाला है। इसलिए सपना जितना भी हम देखते हैं सब कुछ सत्य ही देखते हैं, या हो चुका देखते हैं या होने वाला देखते हैं। क्योंकि त्रिजटा ने सपना देखा था, रामचरितमानस में लिखा है, सपने बानर लंका जारी जात उधान सेना सब मारी। तो त्रिजटा का सपना तो हुई है सत्य गए दिनचारी, दो चार दिन में ही उसका सपना सत्य हो जाएगा और उसका सपना सत्य हुआ भी। त्रिजटा का जो लंका में रहा करती थी, तो सपने हमेशा ही सच होते हैं, कोई भी सपना झूठ नहीं होता। या तो सपना जो आपने देखा है किसी जन्म में, हम ये भी कह सकते हैं कि 1 करोड़ जन्म पहले, 1,000 जन्म पहले, 100 जन्म पहले या 1 जन्म पहले आपके साथ वो घटना घटी है, वो सब हुआ है जो आज आपने सपने में देखा, या फिर आगे कभी होगी। सपना व्यर्थ में कभी नहीं आता, जो हुआ या होगा वो है। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा सवाल है गुरुजी आपसे कि मैं जो पूजा पाठ करता हूँ ध्यान नहीं रहता उसमें, और इसमें ये जैसे पूजा करता हूँ दूसरे तब ध्यान हो जाता, दूसरे काम से प्रति आ जाता है, वही हो उसमें कारण क्या है उसका? मन को लगाना पड़ता है। मन लगाता हूँ गुरुजी मैं, फिर नहीं लगता। नहीं नहीं लगता, मैं दूसरा प्रति वो आ जाता है आपका। कथा सुनते हो आप? कथा सुनता हूँ मैं। मन लगाने का उपाय बताता हूँ कथाओं में। हाँ। मैं मन लगवा करके बताता भी हूँ कंसंट्रेशन कैसे हो, कैसे हम अपने मन को एकाग्र करें। ध्यान की पूरी मेडिटेशन कराते हैं हम आपको, करते हो कि नहीं? ध्यान से तो करता हूँ लेकिन होता नहीं गुरुजी। जो हम कथाओं में कराते हैं ना, हाँ। हम 7 दिन में 1 दिन ही वो 2-4 मिनट के लिए कराते हैं, अब थोड़ा ज़्यादा कराया करेंगे तो सुना करो। अभी इस कथा में कराएंगे तो सुनना, उस विधि से फिर आपका मन लगना स्टार्ट होगा। इसलिए नहीं लगता क्योंकि लगाने की विधि पता नहीं है। हाँ हाँ। चलो मैं आपको बता दूं एक छोटा सा उपाय। अपनी आंखें बंद करो, सब लोग शांत रहो, चुप रहो, शांत। मैया ओ पंचायत माता, लोग शांत रहो ना थोड़ा से। वो देखो उनकी पंचायत ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। इधर ध्यान ना सबको, गुरु जी तरफ ध्यान दो ना सबको। नहीं नहीं उनका तो अपने पे ध्यान है। चलो आंखें बंद कर लो आप सब लोग कर लो। उस सारे लोग आंख बंद करके चलो गिरिराज जी, चलो ऐसा भाव बनाइए, ऐसा इमेजिन कीजिए कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। भाव बनाइए कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं और कीर्तन करते जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भाव बनाइए कि हम परिक्रमा लगा रहे हैं गिरिराज जी की और कीर्तन करते जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब परिक्रमा लगा के ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं बैकुंठ में। हम सब बैकुंठ गए, भाव बनाइए कि हम बैकुंठ में हैं, जहां माता लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं, जहां भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हैं। एक चरण माता लक्ष्मी जी दबा रही हैं, दूसरा चरण हम दबा रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि हम प्रभु के चरण दबा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। अब भाव बनाइए कि हम वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाओ कि बिहारी जी को लड्डू का भोग लगा रहे हैं, बिहारी जी की परिक्रमा कर रहे हैं। राधा रानी और श्याम सुंदर को झूला में बिठाकर हम झूला झूला रहे हैं। इस तरह से भाव बनाओ कि हम भगवान के पास हैं
उनका दर्शन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। तो थोड़ी देर के लिए आप पहुंचे वैकुंठ की नहीं? हाँ पहुंचा गुरुजी। तो मन लगा कि नहीं? मन लगता है गुरुजी, लेकिन ऐसी मन लगता है उसके बाद जैसे ध्यान अपने घर में पूजा पाठ करता हूँ ना गुरुजी, उस समय नहीं लगता। हमने अभी बताया कि हाँ। भाव बनाओ कि हम परिक्रमा लगा रहे हैं गिरिराज जी के वैकुंठ में। हाँ हाँ इस तरह से करना है। ठीक है।